दफ्तरी पत्र करने हैं, ठीक है, ग्रामर दे और अपनी नोटबुक नो दो पार्ट्स विच डिवाइड कर लो। पेयर नोटबुक क्लियर है? सब तो पहला आप इन्हों के फॉर्मेट करांगे, आफ्टर दैट डिस्कस करांगे, ठीक है, फेयर कॉपी से कर लो, राइट। सो थोड़े जिहड़ा सिलेबस विच है वह है निजी पत्र, ठीक है, निजी पत्र आप बाद विच करांगे, एक है दफ्तरी पत्र। ओके, दफ्तरी पत्र केड़े हुंदे ने? ऑफिशियल लेटर्स, राइट। सो दफ्तरी पत्र भी अगो दी दो तरह के हुंदे ने, टेबल बनावे इस तरह करके, एक हुंदे ने सरकारी, एक हुंदे ने गैर सरकारी। ठीक है, दफ्तरी पत्र दो तरह के, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी किनू कहंदे ने? किसी डिपार्टमेंट नू लिखे हुए, ठीक है ना, जिस तरह बैंक का हो गया, मैनेजर नू हो गया, आपां किसी डिपार्टमेंट नू लिखते हैं उन्हूं आपां कहने आ सरकारी पत्र। ठीक है, दफ्तरी तो है बट दफ्तरी के विच भी अगों की दो पार्ट्स विच ही डिवाइड होंदा है। सो इहदे अगे लिख लो किसी विभाग नू लिखा हुआ, जिमें बैंक, बैंक मैनेजर नू लिख लिया, ठीक है, या प्रिंसिपल नू लिख लिया, प्रिंसिपल नू भी तो आप सरकारी लैटर लिख देना, आप ऑफिशियल लैटर लिख दे, ठीक है। किसी विभाग नू लिख दे, हाँ विभाग कोई भी हो सकता है, राइट। उस तो बाद विच गैर सरकारी, गैर सरकारी दे विच जेड़ा किसी डिपार्टमेंट दे अंडर ना आंदा होवे, जिस तरह कि अखबार दे संपादक नू हो गया, किसी कंपनी दे मैनेजर नू हो गया, ठीक है, ये भी अंडर लिख लो। अखबार दे संपादक नू, कंपनी दे मैनेजर नू, ठीक है, टेबल बना लो। उस तो बाद विच आपां पहला करदे आं, अज आपां दो लेटर्स करनियां ने, एक आपां करनी है अखबार दे संपादक नू, दूसरी करनी है पुलिस स्टेशन नू, ठीक है, कि तुहाडी एक्टिवा चोरी हो गई या साइकिल चोरी हो गया, एस एच ओ नू आपां फॉर्मेट लिखना पहला, ठीक है। सो टेबल बनाने तो बाद विच नेक्स्ट पेज से पहला तुसी सिर्फ फॉर्मेट लिखोगे दोनों का, ठीक है, उस तो बाद विच दोनों दे एक एक लैटर, ठीक है, और ये करना है ग्रामर पोर्शन विच विद इंडेक्स, डन सब दा। हाँ जी लवलीना, लिख लो फॉर्मेट। उस तो बाद विच सपोज थानू हुण ए लैटर दा सिर्फ फॉर्मेट है रूपरेखा, उस तो बाद विच थानू अगर आ जावे कि एक्टिवा चोरी हो गई है तो तुसी ओहदे लई पुलिस चौंकी विच एक पत्र लिखना है, फिर किद्दां लिखोगे? थोड़ा बहुत तुसी एक्टिवा दा हुलिया दस देना कि इसका रंग काला है, लाल है, जो भी है, उसका नंबर ए है, ए वाली कंपनी दी है, ठीक है, और जरूरी कागज आस पास से, ओके, कुछ भी लिख सकते हो, मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है ना,
जिस तरह की बैंक की कॉपी है, मेरा आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी लिख सकते हो। तो तुम कह सकते हो कि जो भी एक्टिवा लभन विच मेरी मदद करेगा उसनू मैं इनाम देवांगी। इनाम भी तुम मेंशन कर सकते हो कि केड़ा इनाम होना चाहिए, 5,000 हो गया या 10,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया। उस तो बाद विच होर भी बहुत सारे ने, जिस तरह वारदातां वध रही ने, लुट्टां खूहां वधदियां पईयां। ठीक है, वारदातां कि आप कहने क्राइम्स हो रहे ने नवे नवे। ठीक है, वो फिर तुम की लिखोगे, फिर वो पुलिस चौंकी ने लिखनी। अच्छा, एक गल होर, जो उत्थे थानेदार आ गया फिर तुम ये लिखोगे। पेपर विच दोनों दे दोनों नहीं लिख देने। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का तुहानू पूछी जा रही है, हैडिंग पूछी जा रही है, वो अकॉर्डिंगली तुम लिखना है। सुपोज की आ जाए कि SHO नूं तुसी लैटर लिखो कि तुहाडे इलाके दे विच वारदातां दिन प्रतिदिन वधियां जा रही ने। फिर वारदातां विच होके, ठीक है, जरूरी काम नहीं हो रहे, लोग बाहर नहीं निकल रहे, चोरियां वध रही हैं। ठीक है, कि लोगों के मन विच बहुत ज्यादा दहशत। ओके, ठीक है, वारदातां विच तुसी मेनली चोरी का लिखना है या लुट्टां खोहां का लिखना है। ठीक है, कि महल्ले विच जे कोई खड़ा है तो ओदे कोले ही कुछ ना कुछ खो के रह जाते हैं, स्नैच। दिन दिहाड़े चोरियां हो रही ने, इसलिए कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड किदा करोगे? एंडिंग किदा करोगे? हाँ, एंडिंग भी जरूरी है कि मैनु विश्वास है कि तुसी जल्दी तो जल्दी इस लई कार्रवाई करोगे। एक्शन वर्ड ना लिखियो। ठीक है, जल्दी तो जल्दी इस संबंधी कार्रवाई करोगे। मैं तुहाडा बहुत धन्यवादी होवांगा। धन्यवादी दी जगह ते या तुसी धन्यवाद लिख लियो। ठीक है, ओके। पुलिस कर्मचारी तैनात किए जान, ठीक है, ताकि थोड़ा जा सुरक्षा रवे, चोरां नूं कड़ी तो कड़ी सजा दी जावे, ताकि वो दोबारा तो भविख विच ये वाला काम ना कर सकन। ठीक है, दो हो गई, तुसी कॉपी ते जड़ी मर्जी लिख लियो या लुट्टा खूहां वाली लिख लियो। ठीक है, या एक्टिवा चोरी होने वाली लिख लियो, कोई भी एक लैटर तुसी लिखनी है। होर बोलो, ये दे अंडर केड़ी होर लेटर आ सकती है? एक है वारदाता वाद रही है ने, एक दूसरी ये दे नाल ही है कि गुंडागर्दी वाद रही है। उदे विच चोरी चकारी नहीं लिखना, उदे विच लिखना है कि अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे ने। ठीक है, कुछ लड़के ने महल्ले दे ओ बच्चियां नू एदा ही, या किडनैपिंग भी लिख सकते हो तुसी, गाली गलोच करते ने। ठीक है, या किडनैप कर लेंगे ने बच्चियां नू। और बहुत सारे इदा के लोग ने जेडे कि उन्होंने मंगे हुए पैसे वो नहीं दे सकते। ठीक है ना, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं होंगे, उन्होंने कई आर्थिक स्थिति इन्नी ज्यादा चंगी नहीं है, ते वो अपना सब कुछ बेच के फिर देंगे ने पैसे। हाँ, तकड़ी या मोटी रकम मंगते ने। ठीक है, और कोशिश करो कि जिस तरह लेटर हुंदी है ना, एदे विच एक ता इंग्लिश दे वर्ड ना लिखो। सेकेंडली, जो लिखो ना अपनी जड़ी लेटर है उन्हों इंप्रेसिव बना ली ना, अगर थोड़े बहुते मुहावरे ओदे विच ऐड हो जान। फॉर एग्जाम्पल, असी लिखना है अखबार के संपादक नूं, अगली लेटर जड़ी है साड़ी। ठीक है, असी वधदी हुई महंगाई बारे लिखनी है, तो एदे विच एक मुहावरा बन सकता है कि चीजां दे जड़े भाव हन, अग अग दे भाव हन। मुहावरा आ गया, थोड़ी तुहाडी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाएगी। सिंपल लैंग्वेज हर कोई लिख सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई तुसी वो भी लिखनी है, बट थोड़ी बहुत ही इंप्रेसिव बनाने के लिए। या कह सकते हो कि कीमतां आसमान छू रही हैं। हाँ, चंगी उन लांदे हैं, ये भी हो गया। ठीक है, उजाड़ होनी, ये वारदाता वाले जा सकता है। ठीक है, गुड। ठीक है, थोड़े बहुते सोचा करो कि केड़ा मुहावरा ओदे ते एप्रोप्रिएट है, वो वाला मुहावरा लगा दिता। जरूरी नहीं कि लगाना है, बट
अगर किसी ने अच्छे अच्छे मार्क्स लैने ने तो मुहावरा लगा सकता है, ठीक है। और कभी भी ये इदा दी लैंग्वेज नहीं लिखनी कि अगले नू वो हर्ट करे, सिंपल सॉफ्ट लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। और स्पेशली फॉर्मेट वाल ध्यान देना। हो गया फॉर्मेट डन, लेटर हो गई है अंडर, आप तीन चार लेटर्स कर लिया या थानू एक्स्ट्रा भी कोई लेटर आ सकती है, फॉर्मेट विल बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट लेटर करिए अखबार दे संपादक नू, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो संपादक की नू कहते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट ए वाला रहेगा, राइट। उस तो बाद विच एथे चेंज होएगा फॉर्मेट जेनू हुण आपा लेटर लिखनी है। सो सेम नेक्स्ट लाइन विच सेवा विखे ठीक है संपादक साहेब हुन, क्योंकि आपा पंजाबी दे अखबार में लिखनी है सो इत्थे भी पंजाबी दे अखबार डालना चाहिए है। रोजाना अजीत हो गया या दैनिक जागरण जगबाणी, दैनिक जागरण आई थिंक हिंदी दी है, जगबाणी पंजाबी दी है। एक और अखबार है नवा जमाना, ठीक है। रोजाना अजीत लिख लो या जगबाणी लिख लो, या हो सकता है कि पेपर विच अखबार का नाम ही मैंशन हो, कई बार इदा भी होंगे, फिर तुम उही वाली अखबार का नाम इतने मैंशन करना है, ठीक है। या जगबाणी के संपादक न फिर इतने तुम लिख देना जगबाणी, क्लियर है। उस तो बाद विच डैश डैश शहर, शहर का नाम लिखना है, उपर नहीं लिखना, इतने लिख लियो जलंधर शहर, ठीक है, क्लियर है। उधर वाले च जलंधर नहीं लिखना, इधर वाले च जलंधर लिखना है क्योंकि ये दफ्तर इधर है, ठीक है। फिर विशा जेड़ा भी विशा होएगा श्रीमान जी, ठीक है। फिर सनीमर बेनती है कि मैं डैश डैश मोहल्ले का निवासी हाँ, वो पेट लाइन है, हमेशा ही आएगी, ठीक है। उस तो बाद विच धन्नवाद, फिर आप जी का विश्वास पात्र या आप जी का शुभ चिंतक, आप जी की शुभ चिंतका, चिंतिका नहीं लिखना, ठीक है, चिंतका, विश्वास पात्र लिख लोगे तो ठीक है, क्लियर है। इनू नोट कर लो, फिर आप लेटर डिस्कस करते हैं, ओके। अखबार के संपादक पहला ते वधी हुई महंगाई, हाँ जी, ओके। मिलावट बारे आ सकती है, साफ सफाई बारे आ सकती है, कोरोना, हाँ, स्ट्रीट लाइट, ओ नगर निगम नु वैसे आप मोस्टली लिखते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नु, या कोरोना दी वधी हुई जिहड़ी समस्या है ए लोगों जागरूक करना है, ठीक है, ओके। सो भावेश चीजा विच दिनों दिन मिलावट हो रही है, तुसी अखबार दे संपादक नू पत्र लिखनी है, किदा लिखोगे? एक्सो शुरू कर दो, कंटेंट मैटर तो शुरू कर दो, सिंपल। तुसी अपनी लैंग्वेज विच अखबार दे संपादक नू लेटर लिखनी है, तुसी किद्दां लिखोगे? तो जरूर थोड़ी ना हुण बेटा तुहानू किन्नियां सारियां लैटर्स आ गईआं, तुसी एक एक लैटर नू याद करोगे? नहीं ना, बस तुहानू फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट विच भी उधर वाला फॉर्मेट इधर वाला फॉर्मेट सेम है, बस चेंज की होना है चीज, थले शहर भी सेम ही है, आ दोनों चीजा चेंज हो जानिया। हाँ जी बोलो,
फिर अगे भावेश, मिलावट बहुत है। किदा मिलावट होंगी है, केड़िया केड़िया चीजा विच मिलावट होंगी है। बैठो, कौन दसेगा? प्रॉपर लेटर कौन बोलेगा? प्रॉपर कोई नहीं बोलेगा प्रॉपर लेटर। अगर आपा मुहावरा यूज करना हो विच, ठीक है, उल्ला लेंदे हन, मुहावरा आ गया। ओके गुड, चीजा अग दे भा मिल रही हैं, ये भी आ सकता है ना। एक तो चीजा अग दे भा मिल रही हैं ने, उत्तों दी वो भी उन ला लेंदे ने, ठीक है। फिर मिलावट लिख देनी है तुसी। गुड, वेरी गुड। हां जी, जिंदगी नाल खेड़दे हैं, मिलावट आ गई है। किदा? जिस तरह दुध दे विच पानी पा देंदे हैं, दालां विच पत्थर हुंदे ने, ठीक है। दवाइयां विच भी मिलावट है। हाँ, और पेट्रोल दे विच भी कई बारी हुंदा ना, पानी मिला दिता जाता है, ठीक है। चार पांच तुसी लिख देना कि केड़ी केड़ी चीज विच मिलावट हुंदी है। और सोचो केड़ियां केड़ियां चीजा विच मिलावट हुंदी है। मिठाइयां विच हुंदी है, बिल्कुल। दवाइयां विच हुंदी है। हाँ, हर एक चीज विच मिलावट है। अगर तुसी कॉस्मेटिक्स की शॉप ते जांदे हो तो उत्थे भी मिलावट हुंदी है। अगर तुसी सोचदे हो कि मैं वधिया ब्रांडेड लली कंपनी लली, तो जरूरी नहीं है वो ब्रांडेड ही होवे, वो आर्टिफिशियल जी भी हो सकती है, ठीक है। सो हर एक चीज विच मिलावट है। तो एदे नाल की हुंदा है, लोकां दी जिंदगी दे नाल खेड़िया जांदा है, ठीक है। तीन चार मुहावरे। हाँ जी, सेहत दा ख्याल नहीं रखदे, ठीक है। वो सिर्फ अपना मुनाफा पाउण दी कोशिश करदे हन, ठीक है। एक ए होगी। दूसरी के आपां अखबार दे संपादक नूं पत्र लिखना है कि कोरोना जिहड़ा है वो हुण तां घट रहा है, ठीक है। कोरोना संबंधी लोगों को होर जागरूक किया जाए। ठीक है, क्योंकि हुण देखो घट रहा है, तो हुण आपां लोकां नूं इंस्ट्रक्शन ही दे सकते ना। आपां लोकां नूं कह सकते हैं कि तुसीं वैक्सीनेशन लगवाओ। वैक्सीनेशन ही लिखोगे तुसीं, की लिखोगे? टीकाकरण, ठीक है। टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए लोगों नूं सूचित किया जाए या उन्होंने एक सलाह दी जाए कि टीकाकरण करवाया जाए या टीका लगवाया जाए। फिर सेकेंडली कि हाले जिहड़ी स्थिति है वो स्थिर नहीं है, ठीक है, ते पूरा उहदा पालन किया जाए। जो भी सरकार तुहानूं कह रही है, रूल्स रेगुलेशन की पूरी तरह नाल पालना होवे। मास्क पाओ, ठीक है, समाजिक दूरी रखो, जो कि तुहाडी क्लास विच बहुत घट रखी जाती है, ठीक है। सो एक दूसरे की सीट के कोल जाके बिल्कुल खड़े नहीं होना। जिन्ना तुहाडे कोल डिस्टेंस मेनटेन हो रहा उन्ना करो, और मास्क प्रॉपरली पा के रखो। बार 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 हाथ अपने जिहड़े ने वो सैनिटाइज करो या साबण दे नाल धोवो, ठीक है। जिथे जरूरी है उथे जाओ, बहुत ज्यादा जिहड़ी भीड़ वाली जगह है उथे ना जाओ। हुण देखो दिवाली फेस्टिवल शुरू हो गया, ठीक है, हुण तुसी जाके देखो जरा बाजारां दे विच। हाँ, ये भी तुसी लिख सकते हो, पैर तरन तक की भी जगह नहीं हुंदी बाजारां दे विच, ठीक है। उहदे नाल लोकी की हन वो इंस्ट्रक्शंस नूं फॉलो ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो ये भी आ सकता है। एंडिंग किद्दां करोगे इहदी? ठीक है,
ओके उम्मीद करती हाँ या उम्मीद करता हाँ कि तुसी मेरिया इन्हां गल्लां नूं अपनी अखबार विच छापोगे ताकि लोग इस नूं पढ़ के होर भी ज्यादा जागरूक हो सकन। ठीक है, एक ए हो गया। तीसरी अखबार दे संपादक नूं मिलावट वाली होगी। हाँ जी, महंगाई वाली कि दिनों दिन जड़ी महंगाई है वधदी जा रही है उहदे उत्ते अग दे भा मिल रही ने या कीमत जड़िया ने समान छू रही हैं। ठीक है, होर जिस तरह प्याज बहुत ज्यादा महंगे हो रहे ने, आम इंसान की पहुंच तो बहुत दूर हैं। ठीक है, कह सकते हो कि प्याज जड़े ने ओ महंगे हो रहे ने, पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया। ठीक है, आम इंसान कभी पेट्रोल पवा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं पवा सकता। ठीक है, सो आम जड़ी महंगाई है वो आम इंसान दा खून चूसती है या आम इंसान दा उन्हें लक तोड़ के रख दिता। ठीक है, लक तोड़ के रखना की होंदा है तंग करना या वो जड़ा है दुखी करना। ठीक है, वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा मतलब कि वो लोकां दे नाल दूसरे लोकां दे नाल वो मेल नहीं कर सकता। हाँ, होर भी वध रहा है। ठीक है, जड़िया चीजा हन वो बहुत ज्यादा वध रेट ते जड़ी महंगाई है या कह लो कि तुसी जड़ी डिमांड है वो वधी जा रही है उहदे अकॉर्डिंगली जड़ी सप्लाई है वो घटदी जा रही है। आपां इकोनॉमिक्स विच पढ़दे आ ना डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, राइट, ए लिख सकते हो। होर लेटर साफ सफाई बारे। हाँ, जो अजकल का टॉपिक चल रहा है साफ सफाई बारे लिख सकते हो। सड़कां दी माड़ी हालत लिख सकते हो। ए वैसे ना जड़ी साफ सफाई वाली है अखबार के संपादक नूं भी आ सकती है पर नगर निगम विच जांदी है, पर अखबार के संपादक नूं भी लिख सकते हो क्योंकि जिहदे विच असीं लोकां नूं सूचित करना हुंदा ओह अखबार दे संपादक नूं भी लिख सकदे हो। अखबार आपां डेली पढ़दे आ उहदे ते हर एक चीज देखियो जरा, ओह जिहड़ा सिटी वाला पेज हुंदा आ ते किन्ना कुछ आया हुंदा। ठीक है, या साफ सफाई संबंधी लिख सकदे हो। ओके, भ्रिष्टाचार बारे लिख सकदे हो। गुड, ठीक है, बेरोजगारी, हां जी, ट्रैफिक नियमां दी उलंघना कीती जा रही है ओहदे संबंधी अखबार दे संपादक नूं जागरूक करना है। किद्दां करोगे मिलनप्रीत? मिलनप्रीत पैदल पैदल सैलानी नहीं कहते, आप सैलानी कहते जो टूरिस्ट होंगे पैदल चलन वाले लोग। ठीक है, उन्होंने भी जगह नहीं देंगे, हेलमेट नहीं पाते, जड़िया लाइटा होंगे ने। हाँ जी, हाँ, अंडर एज ड्राइव। ओके, क्लियर है, हो गई पांच छह लैटर। सो हुण तुसी अपनी फेयर कॉपी ते दोनों दिया कोई एक एक लैटर करनी है, मंडे नूं तुहाडी कॉपी चेकिंग होएगी। जिहड़े ऑफलाइन ने उन्हां दी ऑफलाइन, जिहड़े ऑनलाइन ने उन्हां दी ऑनलाइन। ठीक है।